नमस्कार, रिसेंट न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूं। भारतीय संस्कृति एवं परंपरा में देखें तो स्त्री का विशेष स्थान सदियों से रहा है। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वर्तमान में यदि खुले मन से आकलन करें तो पाते हैं कि महिलाओं को मिले सम्मान के उपरांत भी ये दो भागों में विभक्त है। एक तरफ एकदम से दबी कुचली अशिक्षित और पिछड़ी महिलाएं, तो दूसरी तरफ प्रगति पथ पर अग्रसर महिलाएं। कई मामलों में तो पुरुषों से भी आगे नई ऊंचाइयां छूती महिलाएं हैं, जो आज हम ऐसे ही महिलाओं से आपको रूबरू करवाएंगे। तो आइए देखते हैं। घर के चौके चूल्हे से बाहर व्यवसाय हो, साहित्य जगत हो, प्रशासनिक सेवा हो, विदेश सेवा हो, पुलिस विभाग हो या हवाई सेवा हो या फिर खेल का मैदान हो, महिलाओं ने सफलता का परचम हर जगह लहराया है। यहाँ तक कि महिलाएं कई राष्ट्रों की राष्ट्राध्यक्ष भी रही है और कुछ तो वर्तमान में भी है। और ऐसे ही बुलंदियों को छूती नागपुर शहर के स्मार्ट सिटी के सीईओ भुवनेश्वरी एस, इन्होंने महिला दिवस के मौके पर क्या कहा है, आइए जानते हैं। महिला का शक्ति है वो इतना ज्यादा है, घर भी संभाल सकते हैं, ऑफिस भी संभाल सकते हैं, इतना पावर है। सिर्फ उनको यही होना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ। पहला उनके ऊपर उनको विश्वास होना चाहिए। क्या होते हैं, सब लोग बोलेंगे आप नहीं कर सकते, महिला को ये नहीं हो सकते, उसके वजह से उनका मन में ऐसे हो जाते कि मैं करूँ सकता का मला शक्य होना का, ये शंका नहीं होना चाहिए। वो बिना शंका वो काम शुरू करेंगे, वो नक्की हो सकते। और हमारा तरफ से नागपुर सिटी में काम करने वाले महिला के लिए और भी उनका ऑफिस में और क्या अच्छा सुविधा दे सकते, इसके बारे में हमारा विचार चालू है। महिला उनका घर के बाहर आएंगे वो सुरक्षित भी फील हो सकते और उनका ऑफिस में और भी सुविधा होना है, वो भी हम स्मार्ट सिटी के तरफ से देख रही हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं की यह सफलता निश्चित ही संतोष प्रदान करती है। आज की महिला निर्भर नहीं है, वह हर मामले में आत्मनिर्भर और स्वतंत्र है और पुरुषों के बराबर सब कुछ करने में सक्षम भी है। हमें महिलाओं का सम्मान जेंडर के कारण नहीं बल्कि स्वयं की पहचान के लिए करना होगा। हमें यह स्वीकार करना होगा कि घर और समाज की बेहतरी के लिए पुरुष और महिला दोनों समान रूप से योगदान करते हैं। यह जीवन को लाने वाली महिला है। हर महिला विशेष होती है, चाहे वह घर पर हो या ऑफिस में हो, वह अपने आसपास की दुनिया में बदलाव ला रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों की परवरिश और घर बनाने भी एक प्रमुख भूमिका भी निभाती है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस महिला की सराहना करें और उसका सम्मान करें जो अपने जीवन में सफलता हासिल कर रही है और अन्य महिलाओं और अपने आसपास के लोगों के जीवन में सफलता ला रही है। महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है और खुद ही अपना मुकाम तय कर रही है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन महिलाओं में आत्मनिर्भरता बढ़ रही है और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ही वुमेन्स डे मनाया जाता है। महिला दिवस राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर महिलाओं के समान अधिकारों को देखते हुए विश्व भर में मनाया जाता है। हर साल 8 मार्च को मनाए जाने वाले इस दिन को पहली बार सन 1909 में मनाया गया था। महिलाओं को समर्पित इस दिन पर कई जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। इस दिन को मनाने के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि महिलाओं को शिक्षा में बढ़ावा, करियर के क्षेत्र में कई अवसर और पुरुषों के जैसे ही समान अधिकार मिल सके। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में वक्त चला यही रुकने का। देखते रहिए बीसीएन न्यूज़। नमस्कार।